हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो बायो के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे उसका पार्ट 4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 3 क्वेश्चन 300 तक किया था, आज हम 4 करेंगे, 301 से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जब ये 5 सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, 5 वीडियोज़, तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूँगी। और अगर और किसी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ टॉक्सिक दैट अफेक्ट द। ये जो बैक्टीरिया है एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है, ये किसको अफेक्ट करता है? द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। सैलमोना पैराटाइफी बैक्टीरिया स्प्रेड विच डिजीज़। ये जो सैलमोना टाइफी या पैराटाइफी जो बैक्टीरिया है ये कौन सी डिजीज़ को स्प्रेड करता है? तो ये टाइफॉइड डिजीज़ को स्प्रेड करता है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस वॉज डन बाय। वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? ये किया था स्टैनली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो जैसे ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उसमें से आपको बताना है। तो क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा। ये मैंने पहले भी पूछा था आपसे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। और ये किसके टेस्ट के लिए यूज़ होता है? जो एड्स डिजीज़ होती है उसमें यूज़ होता है, और जो भी वायरल डिजीज़ होती है कुछ उसमें भी ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। अगला है ह्यूमन हर्ट आउटर कवरिंग इज़ नोन एज। ह्यूमन हर्ट का जो आउटर कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो इसमें मसल होते हैं इसको क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन इन्फेंट। इन्फेंट में कितने बोन्स होते हैं? 300 होते हैं। और एडल्ट में कितने होते हैं? प्रीवियस वीडियो में बताया था 206 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल्ड। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी आ रहा है, हिस्ट्री सोच के कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अगला है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट इज। हार्ट बीट स्टिमुलेट करता है वो कौन सा हार्मोन है? तो ये है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। एनिमल का जो लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का वो क्या है जिसमें इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं? तो ये ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है बाइल स्टोर्ड इन। जो बाइल है कहाँ स्टोर्ड होता है? गैल ब्लैडर में। नेक्स्ट है इन फीमेल द यूट्रस इज। फीमेल में यूट्रस सिंगल ही होता है, ठीक है। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ। जो आउटर पार्ट ऑफ ईयर होता है उसका शेप कैसा है? फनल शेप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्जाइमर डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजेनरेशन ऑफ। जब अल्जाइमर डिजीज़ होती है तो डीजेनरेशन होने लगता है किस चीज़ का? ब्रेन सेल का। ब्रेन सेल का डीजनरेशन होता है, इससे पता चलता है ये अल्जाइमर डिजीज़ हो रही है। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसीस आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी। जो क्लोरोफाइसीस होते हैं इनके मेंबर को कौन से एल्गी के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन एल्गी। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन चीज़ों में ही पाया जाता है, ठीक है। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ऐसे अलग अलग एल्गी होते हैं, तो ये ग्रीन एल्गी बोला जाता है इनको। अगला है द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीसोडर्म इज कॉल्ड। जो बॉडी कैविटी होती है मीसोडर्म से लाइंड उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं सीलोम। नेक्स्ट है रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट इज। जो रेडीली सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या? ग्लूकोज। देखना कभी ग्लूकोज दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। अगला है व्हाट इज़ द मोस्ट फ्रेजाइल बोन इन ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे फ्रेजाइल, मतलब बहुत ही फ्रेजाइल मीनिंग क्या होता है? बहुत ही वीक या इजीली जो टूट जाए, ठीक है। तो वो कौन सी बोन होती है? लैक्रिमल बोन। और ये कहाँ होती है? आईज में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट ईयर वाज द सेल न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्कवर। कौन से ईयर पूछा है, कौन से ईयर में जो सेल न्यूक्लियस था सबसे पहले डिस्कवर हुआ था? तो वो था 1804 में, ठीक है, 1804 में। अगला है व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ एल्डोस्टेरोनिन। एल्डोस्टेरोनिन जो है ये इसका टारगेट क्या होता है? कौन सा टारगेट सेल होता है इसका? किडनी। नेक्स्ट व्हाट डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक में प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? तो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। अगला है व्हाट इज़ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा। अमीबा का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, तो होता है वैक्यूल। वैक्यूल अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा करके होता है ना, उसमें देखा होगा, ठीक है, वैक्यूल। और ये इसके फॉल्स फीड जो होते हैं जिससे खाना लेता है। एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट जो है लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन। व्हाट इज़ द बिजीएस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो बिजीएस्ट मसल होता है उसे वो कौन सा होता है, तो आई मसल। आई मसल की इतनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, ठीक है, इसलिए उसको बिजीएस्ट मसल बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द माइट्रोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज़ फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन का जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम फाउंड होता है, ये होता है प्लैटिन, ठीक है, इसको बोलते हैं थाइलिन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ फोर आर्म बोन। फोर आर्म जो बोन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना, ठीक है, रेडियस और अल्ना। जैसे पैर का होता है टीबिया और फ्यूबुला, वैसे ही हैंड्स में होता है रेडियस और अल्ना। नेक्स्ट है द हार्मोन इंसुलिन इज़ अ। जो इंसुलिन है ये कैसा हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट है द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज़ एब्सेंट आर नोन एज। जिस एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है वो कैसे एनिमल्स होते हैं, तो वो एसिलोमेट होते हैं, ठीक है, सिलोमेट एसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं उसमें से पूछा ये। नेक्स्ट है द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज। फ्लावर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है वो क्या होता है, तो वो होता है पिस्टल। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंड जनरली कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जो पर्सन कलर ब्लाइंड होते हैं वो कौन से दो कलर्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, तो रेड और ग्रीन में जो ट्रैफिक सिग्नल होती है ना उनमें जनरली वो लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी इज़ अ वैक्सीन फॉर। डीपीटी किस चीज़ की वैक्सीन है। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया पोटेसिस टेटनेस, ठीक है, तो ये किस चीज़ की वैक्सीन है, दो तो इसके नाम आ गए इसी में, ठीक है, डिप्थीरिया ये एक बीमारी है, फिर वूफिंग कफ और टेटनेस, इन तीनों की ये वैक्सीन है, ठीक है। अगला है अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन से। अ मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज। फीमेल क्या है, पिस्टल, और मेल है स्टेमन। फ्रक्टोज इज़ द स्वीटेस्ट शुगर, ये सिर्फ ऐसी स्टेटमेंट दी हुई है। हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने डिस्कवर किया, तो विलियम हार्वे ने। अल्फा केराटिन इज़ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। ये अल्फा केराटिन है जो ये प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, तो ये सिल्क में प्रेजेंट है। विच विटामिन कंटेन नाइट्रोजन। कौन सी विटामिन नाइट्रोजन कंटेन करती है, तो विटामिन बी। ड्यूरिंग स्लीप अ मैन्स ब्लड प्रेशर। जब सो रहा होता है कोई भी इंसान, मैन मतलब सिर्फ लड़का नहीं, कोई भी, तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है कैसा होता है, तो फ्लक्चुएट होता है, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। विच इज़ द ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मोलस्क फाइलम। ऑप्शंस थे तो उसमें से बोला था मोलस्क फाइलम का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ऑक्टोपस जो है ये मोलस्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल हैज़ 3 आई इन द वर्ल्ड। कौन सा एनिमल है जिसकी 3 आँखें होती है, ठीक है, तो ये तुआतारा। क्रिसोसिस इज़ अ डिजीज़ दैट अफेक्ट। ये क्रिसोसिस जो डिजीज़ है ये किसको अफेक्ट करती है, लिवर को। विच एनिमल हैज़ 32 ब्रेन। 32 ब्रेन्स हैं उसके, कौन सा एनिमल है, लीचेस। कैल्शियम कंटेंट इज़ द मैक्सिमम इन। कैल्शियम कंटेंट किस में मैक्सिम होता है, किस्मत है सॉर्गम में, ये क्या होता है एक सिरप टाइप का होता है, ठीक है। अगला है विच एनिमल डज नॉट हैव अ रेड ब्लड सेल। कौन से एनिमल में रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, ऑक्टोपस में नहीं होता, अर्थवॉर्म में नहीं होता, ठीक है। अगला है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो ये है सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम। द टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन स्कल बोन इज कॉल्ड। स्कल में जो टाइप ऑफ बोन जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। अगला है विच इज़ द स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ क्या है, प्लेग्रा। विच सेल ऑर्गेनील्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनीज है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, तो प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ जनरली। जो वुमेन की पिच ऑफ वॉइस होती है वो कैसे होती है, जनरली हायर देन दैट ऑफ मैन, मैन से हायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होस्टोरिया और सकिंग रूट्स आर फाउंड इन विच, सकिंग रूट्स किस में फाउंड होते हैं, तो ये कस्कटा में फाउंड होते हैं। मोटर स्किल आर एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कौन से पार्ट से मोटर स्किल एसोसिएटेड है, तो फ्रंटोरल लोब। डायलिसिस इज रिलेटेड टू, डायलिसिस किस चीज़ से रिलेटेड है, किडनी से, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें लोगों की किडनी ख़राब हो जाती है, तो जो भी एक्सेस वाटर होता है या टॉक्सिन होता है तो वो सब रिमूव नहीं हो पाता, तो फिजिकली किया जाता है, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। अगला है वेयर इज़ यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड, यूरिया ब्लड से कैसे सेपरेट होता है, वो भी किडनी से ही होता है, ठीक है। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, पर मिनट किडनी से कितना एवरेज ब्लड फ्लो होता है, 1200 cc, ठीक है, 1200 cc। नेक्स्ट है द रेडियंट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय प्लांट रिजल्ट इन, जो रेडियंट एनर्जी होती है प्लांट अब्जॉर्ब करता है तो इससे क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको। नेक्स्ट इज प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, प्लांट कैसे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं, सॉइल से ही करते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी हम खाद वगैरह फर्टिलाइजर्स जिसको बोलते हैं वो हम जो भी करते हैं वो सॉइल में ही मिक्स करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट मैमल आर, हाईली इंटेलिजेंट मैमल क्या है, डॉल्फिन। व्हाट इज़ अ मशरूम, मशरूम क्या है, मशरूम फंगी एक, ठीक है। नॉस्कैपिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, ये जो है ये किससे ऑब्टेन होते हैं, पॉपी से, ये क्या एक टाइप ऑफ ड्रग। अगला है हेरोइन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, हेरोइन भी ड्रग है, ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, ओपियम पॉपी से। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज, प्लाज्मा में टोटल कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, 92। एंजाइम इज़ अ बायो कैटलिस्ट, ये एक स्टेटमेंट है, एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है। डिलॉक्सिन रीच या रैटिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका साइंटिफिक नेम है, गुलमोहर का। देखो कॉमन साइंटिफिक नेम ही याद करना, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। एमीबा बिलोंग्स टू द फाइलम, एमीबा जो है कौन से फाइलम से बिलोंग करती है, प्रोटोजोआ। डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय, डायबिटीज़ कैसे होता है, लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। अगला है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्लांट इज नोन एज, एनर्जी प्लांट्स में जो प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिससे वो फूड बनाते हैं जो भी, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। मैनग्रूव्स आर द प्लांट दैट हैव, मैनग्रूव्स जो है वो कैसे प्लांट्स हैं जिनके पास रेस्पिटोरियल रूट होती है, ठीक है। विच इज़ अ सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का सिम्टम क्या है, हीमोफीलिया को और क्या बोलते हैं, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, इसका एक क्वेश्चन था, क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लॉट नहीं होता है ब्लड जल्दी या नो क्लॉट, ठीक है। ब्लड अगर हल्का सा भी चोट लगा आपको कहीं से तो ब्लड फ्लो होता रहेगा, क्लॉट नहीं होगा। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज, जो पॉलिनेशन बर्ड की तरफ से होती है, जैसे जो उन्होंने कुछ खाया और उसका सीड गिरा दिया कहीं पे और वहाँ से ट्री या कोई भी पौधा है वो उगने लगा, तो ये जो पॉलिनेशन हुई इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। स्पाइडर बिलोंग्स टू द फाइलम, स्पाइडर जो है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये करता है ऑर्थोपोडा से। व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन क्या है, ठीक है, न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी के फादर कौन है, एंड्रियस वेसेलियस। इन विच मसल वी फाइंड इंटरकैलेटेड डिस्क, कौन से मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, तो ये होते हैं कार्डियक मसल्स में। हाउ मेनी वर्टिब्रा आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, बॉडी होगा ये, बॉबी नहीं, तो ह्यूमन बॉडी में कितने वर्टिब्राज होते हैं, 33, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन हैज केम इन एमएनएस 2020, ठीक है, आया हुआ है कि वर्टिब्रा कितने होते हैं, तो इसको ऐसे क्वेश्चन देख लेना आप। विच बोन इज कॉल्ड ब्यूटी बोन, कौन सी बोन को ब्यूटी बोन बोला जाता है, कैविकल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है, फीमर, कहाँ होता है, थाई में। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्टमक, स्टमक का लेंथ क्या है, 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बींग, कितने होते हैं एडल्ट ह्यूमन बींग में या एडल्ट लाइफ में, 32 टीथ होते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस वॉइस, वोकल कॉर्ड, ठीक है। विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलिफिकेशन कौन होता है? ऑलिफैक्टरी नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कवरिंग ऑफ लंग्स। लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा। ठीक है, ये दो ऐसे थिन लेयर होते हैं और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टाइप का रहता है। देन नेक्स्ट है विच इज़ द कॉमन पाथवे इन बिटवीन रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में? तो ये है फेरिनेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कर्ज ऑफ हार्डनेस इन इरेक्शन ऑफ पीनिस। तो इसका कर्ज क्या होता है? इंक्रीज ब्लड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कर्ज ऑफ डायबिटीज़ मेलेंटिस। इसका कर्ज क्या होता है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी। व्हाट इज़ द सेक्स हार्मोन इन फीमेल। फीमेल में सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। व्हाट इज़ द सिक्रीशन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड जो आइज में होता है, ये क्या सिक्रीट करता है? टीयर्स। व्हाट इज़ द कॉमन बट डेंजरस डिजीज ऑफ आइज। बहुत ही कॉमन है और बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, क्या है? ग्लाइकोमा। इन विच कंडीशन ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस बिकम हेजी। कौन से कंडीशन में ह्यूमन का जो लेंस होता है वो हेजी हो जाता है? तो ये होता है कैटरैक्ट। अगला है व्हाट इज़ द बैरियर बिटवीन मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर। मिडिल ईयर और आउटर ईयर के बीच में जो बैरियर होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रम्पैनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल दैट द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ। एस्टिमेटेड नंबर है, ठीक है, ये कितना? 37.2 ट्रिलियन। 37.2 ट्रिलियन। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन इन अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने अमाउंट, मतलब जो ब्लड है वो कितना होता है? तो 5 to 6 लीटर्स। विद हाउ मेनी बोन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ एन एडल्ट स्टेज। 206, ये पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन शायद। ठीक है, इसको क्रॉस आउट कर दो। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है? स्किन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर। हाउ मेनी ब्लड ग्रुप इज इन द एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। 4 कैसे हुआ? एक ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। अगला है हाउ मेनी चेम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। कितने होते हैं? 4। फिर है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बीइंग में? 120/80 mmHg। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का वेट कितना होता है? 1.36 kg। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अगेन।